राम राम दोस्तों, चैल डिफेंस अकेडमी, मैं विनोद चैल। और दोस्तों, ये जो आज का आप वीडियो देख रहे हैं, ये जो कार्यक्रम है हमारे नज़दीकी गांव खरकपुनिया गांव का है, और ये जो लड़के आप देख रहे हो ये मेडल लेके आई है। इन्होंने पूरे गांव का, ज़िले का नाम रोशन किया है। ज़िले क्या बोलता हूँ मैं, तो पूरे देश का नाम रोशन किया है। और ये साथ में जो उनके खड़े हैं, रमेंद्र पुनिया है हमारे एथलेटिक प्रधान, और ये लड़की ने गोल्ड मेडल जीता है भाई, जो असम गुवाहाटी में एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2022 चल रही थी, उस गेम में इन्होंने भाग लिया था और ये गोल्ड मेडल लेके आई है। मैं बता दूँ इनके बारे में, इनका नाम कोमल है और इनके पिताजी प्रदीप पुनिया जी है। इनके खासियत ये है, इनके जो कोच है वो ही इनके पिताजी है, जो प्रदीप पुनिया जी है, इनके पास ये खेली है और उनके पास खेल के ये मेडल प्राप्त किया है। प्रदीप पुनिया जी इनके पिताजी भी है और इनके कोच भी है। आप देख सकते हो इनका फूलमालाओं से गाँव वालों ने स्वागत किया है, और इर्द गिर्द के जो एरिया के MLA MP है वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं सभी। और जनसंख्या आप देख सकते हो गांव में, ग्रामीणों में कितना उत्साह है, पूरा गांव इनके सहयोग देने के लिए पहुँचा है। पूरा गांव ने मिलकर लड़की का मान सम्मान किया है, फूल मालाओं से, पैसे से, और जितना भी मान सम्मान होता है पूरे गांव ने लड़की के सहयोग में, पूरा गांव साथ में खड़ा है। और दोस्तों, हमारे हिसार ज़िले के सेक्रेटरी राजू कन्हौ जी, एथलेटिक हिसार, वो भी पहुँचे हैं। उन्होंने भी लड़की को हौसला बढ़ाया है। और ये प्रदीप जी हैं, इनके पिताजी, और ये हमारे, तो दोस्तों देख सकते हैं एक छोटी सी लड़के ने कितना गांव का और पूरे ज़िले का मान सम्मान बढ़ाया दोस्तों। श्री प्रदीप पुनिया, यानी कि आपके कोच भी थे और आपके फादर भी भाई, तो ही नहीं, दोनों काम को भाई इसके पिताजी ने करे हैं, कोच भी, और लास्ट में भाई और युवा साथी है, युवा लड़की है, उनको क्या संदेश देना चाहोगे खेलों को लेकर? उन संदेश देना चाहूंगी कि खेलो, पढ़ो और बाहर निकलो जितना हो सके और मेहनत करो। घर वाला कितना सपोर्ट था? घर वाले तो लगे रहते हैं। हां, बहुत सपोर्ट था साथ में भाई। एथलीट्स के जो सेक्रेटरी है हिसार के, राजू कन्हौ, राम राम भाई। राम राम जी, सब और धन्यवाद आपके चैनल का भी, कि आपके मतलब आपके इस माध्यम से खेल को लगातार आगे बढ़ाने का काम करने लग रहे हो। और बेटिया जो मेडल लेके आई है ट्रैथलैन में, जिस तरह बताया, बड़ी खुशी की बात है कि भाई एथलेटिक्स में भी बालक जो आज हरियाणा ही नहीं, मतलब देश और प्रदेश और इंटरनेशनल लेवल पर भी जो मेडल लेके आने लग रहे हैं, तो बधाई हो बिटिया को। आप ये किस संदेश दे दो? बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखो, हर पेरेंट्स को चाहिए, हर माँ बाप ये चाहो, खासकर लड़कियों खातर भी, अपनी बेटियों को शिक्षा के साथ साथ और मतलब घर से निकाल के ना खेलों में जोड़ें। खेल आज एक ऐसा माध्यम बन गया है, एक एंटरटेनमेंट मनोरंजन के साथ साथ खेल भविष्य भी बनाता है ज़िंदगी का, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब की बात करें या मान सम्मान की बात करें। तो हर माँ बाप ने चाहिए कि अपने बेटा बेटी ने खेल में जोड़ें। धन्यवाद भाई। इस टाइम भाई खरकपुनिया गांव में भाई पूरा गांव में खुशी है। और भाई आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए, जो गुड़िया ने भाई गोल्ड मेडल जीता है। मिलेंगे अगली वीडियो पर, तब तक के लिए भाई सतवीर चहल की राम राम, जय जवान, जय किसान, जय गौ माता की।